बांग्लादेश के पिरोजपुर जिले के मथबरिया में एक बांध के निर्माण में बाधा डालने के लिए स्थानीय लोगों पर हुए चीनी लोगों के हमले के बाद उन पर लगे झूठे आरोपों से लोग सड़कों पर उतर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम स्पैन है, आप देख रहे हैं स्पैन रिएक्शंस। तो जी आज हम बात करेंगे चाइना बांग्लादेश और इंडिया और पाकिस्तान की एंटी चाइना जो भी एक्टिविटीज़ की जाती हैं। लाइक अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो इंडिया की जानिब से बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जाती हैं कि चाइना हर्ट हो और चाइनीज़ जो काम कर रहे हैं वो अपने प्रोजेक्ट छोड़ के वापस मुल्क में चले जाएं। लाइक ऐसी सिचुएशन हुई कि पाकिस्तान में जो चाइनीज़ हैं, चाइनीज़ टीचर्स हैं, उन पर अटैक किया गया, ठीक है, जिसके बाद जो है चाइना जो है पूरी तरह ख़िलाफ़ हो गया, नाराज़ हो गया बेसिकली। तो उसके बाद से जो है काफ़ी चाइनीज़ जो हैं वापस जा रहे हैं चाइना में। साथ ही अगर हम बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश में भी सेम सिचुएशन है। चाइना के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि वहाँ पे चल रहे हैं और जो चाइनीज़ हैं उनकी सिक्योरिटी का बहुत अहम इशू है, ठीक है। उनको अच्छी सिक्योरिटी देना बांग्लादेश के लिए सबसे अहम टास्क है। और क्योंकि पद्मा ब्रिज के बारे में आपने सुना कि किस तरह वहाँ पे जो है काफ़ी सारे स्पाइस पकड़े गए, ठीक है, इंडियन ड्रग स्पाइस वहाँ पे पकड़े गए काफ़ी सारे, जिसके बारे में पहले कहा गया कि वो पागल एंड ब्ला ब्ला, ठीक है। तो अब जी एंटी चाइना एक्टिविटीज़ खुलम खुला स्टार्ट हो चुके हैं बांग्लादेश में, ठीक है। पाकिस्तान में तो इंडिया का जो मकसद था वो कामयाब हो गया और अब बांग्लादेश में एंटी चाइना जो एक्टिविटीज़ हैं, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा एंटी चाइना है, अमेरिका बहुत बड़ा एंटी चाइना है और वो चाहते हैं कि चाइना जो कि साउथ एशिया में अपने कदम जमा रहा है वो यहाँ ना रुक सके और उनको इतना परेशान किया जाए कि वो यहाँ पे जो उनका इन्फ्लुएंस डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है वो इंक्रीज़ ना हो, बल्कि चाइनीज़ जो है नाराज़ हो के अपने मुल्क वापस चले जाएं। तो इस टाइप की सूरत हाल बनाने की कोशिश की जा रही है चाइनीज़ के साथ वहाँ पे जो लोकल, वहाँ पे लोकल्स और बांग्लादेश में बेसिकली लोकल्स और चाइनीज़ का कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जिसके बाद काफ़ी सारे प्रोटेस्ट हैं जो कि बांग्लादेश में होते हुए नज़र आ रहे हैं। वो बेशक छोटे पैमाने पे हों लेकिन इंडियन मीडिया में इसको बहुत बढ़ा चढ़ा के रिपोर्ट किया जा रहा है कि बांग्लादेश में अब चाइना के ख़िलाफ़ जो है लोग खड़े हो गए हैं, चाइना ये बुरा कर रहा है और चाइना वो बुरा कर रहा है। सो इस टाइप की रिपोर्ट है, रिपोर्ट मैं अभी आप लोगों से देखूंगी, आप लोगों ने देखना है कि इंडिया क्या कह रहा है और इसके बाद आप लोगों ने मुझे बताना है कि क्या ये सही कह रहा है या गलत कह रहा है और असल जो न्यूज़ है वो क्या है। आई नो कि मुद्दा जो है छोटा होता है लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ होती है तो उसे इंडियन मीडिया पे बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है, ठीक है, ताकि ये जो प्रोटेस्ट है उसको हाईलाइट किया जा सके पूरी दुनिया के सामने कि जी ये हो रहा है, ठीक है। ये रिपोर्ट अभी देखते हैं, पहले रिपोर्ट देख लेते हैं फिर इस पर मज़ीद बात करेंगे। रिपोर्ट देखने से पहले अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मेरे चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को लास्ट में नोटिफिकेशन मिले। सो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, लाइक का बटन सामने है उससे जल्दी से क्लिक कर दें, उससे चलते हैं देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। बांग्लादेश के पिरोजपुर जिले के मथबरिया में एक बांध के निर्माण में बाधा डालने के लिए स्थानीय लोगों पर हुए चीनी लोगों के हमले के बाद उन पर लगे झूठे आरोपों से लोग सड़कों पर उतर आए हैं। आरोप वापसी की मांग को लेकर लोगों ने मानव श्रृंखला बनाई और चीन का विरोध किया। बांग्लादेश के स्थानीय लोगों ने इन्हीं आरोपों को वापस लेने के लिए शांतिपूर्ण रैली निकाली और प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों ने हमलावरों को आक्रामक चीनी व्यापार दिमाग वाले लोग बताया। मानव श्रृंखला में मौजूद लोगों ने कहा कि शेख हसीना के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है लेकिन कुछ चीनी लोग देश में काफी दिक्कत पैदा कर रहे हैं। रैली कर रहे लोगों ने कहा कि अगर ये आरोप वापस नहीं लिए गए तो भविष्य में विरोध को और तेज किया जाएगा। उन्होंने चीनी दूतावास को चेताया है कि वो अपने इंजीनियरों, लोगों और श्रमिकों को समझाएं ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। 1 मई को क्षेत्र में एक निर्माण परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का विरोध करते हुए निवासियों ने काम को रोका था। इसके बाद वहां काम कर रहे कुछ चीनी कर्मियों की स्थानीय लोगों से झड़प हो गई। इसके बाद स्थानीय लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया जिसे वो फर्जी बता रहे हैं और अब इसको लेकर लोग सड़कों पर हैं। लोग चीन पर कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि श्रीलंका को जिस तरह के आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है उससे बांग्लादेश में भी चिंता बढ़ी है। श्रीलंका और बांग्लादेश में एक समान बात यह है कि दोनों देशों ने चीन से कर्ज लिया है।
श्रीलंका जिस मुश्किल में फंसा है उसके पीछे उसका कर्ज के जाल में फंसना भी एक कारण है। उस पर मौजूदा कुल विदेशी कर्ज में चीन का भी एक बड़ा हिस्सा है। बांग्लादेश के मीडिया और सोशल मीडिया में श्रीलंका जैसी हालात यहाँ पैदा होने की आशंका जताई जा रही है और इसको देखते हुए चीन को स्पष्टीकरण जारी करना पड़ा है। ढाका स्थित चीनी राजदूत ली जिमिंग ने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने साफ किया कि बांग्लादेश किसी प्रकार के कर्ज के जाल में नहीं है। इसके पहले चीनी राजदूत ने बांग्लादेश के विदेश मंत्री एके अब्दुल मोमिन से मुलाकात की थी। चीनी राजदूत की सक्रियता को लेकर बांग्लादेश में चीनी कर्ज को लेकर गहरा रहे अंदेशों से जोड़कर देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि वो दिन दूर नहीं जब श्रीलंका जैसा हाल बांग्लादेश का होगा, क्योंकि आपको बता दें कि चीन का विरोध बांग्लादेश में तो हो ही रहा है, साथ ही साथ जो स्थानीय लोग हैं बांग्लादेश में वो चीनी परियोजनाओं का भी विरोध कर रहे हैं। वो चीन पर आरोप लगा रहे हैं मनमानी करने का, साथ ही जो कर्ज चीन ने बांग्लादेश को दिया है उसके जाल में फंसकर बांग्लादेश अपने सबसे बुरे स्थिति में जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट भारत तक। ये इंडिया की रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है, इन्होंने किस तरह कनेक्ट किया है श्रीलंका में जो कर्ज था जो उन्होंने लिया था चाइना से, ठीक है, वो कर्ज के जाल में फंस गया है और अब जी बांग्लादेश में भी वही होने जा रहा है, ठीक है, वही बात बार 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 बार, और बांग्लादेश को निश्चित किया जा रहा है जी। बांग्लादेश ने, ठीक है, चाइनीज़ जो, ठीक है, एम्बेसडर ETC जो भी थे उनसे मुलाकात की और इस पर बात की और कर्ज का जो जाल है उन्होंने कहा जी हमें इसमें ना फंसाएं, ठीक है, और जबकि ऑलरेडी इस पर बात हो चुकी है, चाइना की जानिब से भी इस पर बात की जा चुकी है कि कुछ 7% भी पूरा चाइना का डेप्ट नहीं है जो कि बांग्लादेश ने लिया है। सो इस चीज़ के बारे में बात करना तो बिल्कुल स्टूपिडिटी है और कंटिन्यूसली इस चीज़ पर बात की जा रही है कि जी जो श्रीलंका का हाल हुआ है वो आगे बांग्लादेश का भी होगा और 5 महीने के अंदर अंदर जो है बांग्लादेश बैंकरप्ट हो जाएगा। सो इंडिया जो है पूरी तरह बांग्लादेश को बैंकरप्ट कर चुका है। आगे बांग्लादेश के साथ क्या क्या होने वाला है ये शायद आप लोगों को भी ना पता हो, ठीक है, और इंडियन मीडिया की रिपोर्ट देख के वैसे मुझे, ठीक है, यकीन आ रहा है या नहीं आ रहा ये इस बात को तो रहने दे, लेकिन जो सही बात है ना वो आप लोगों ने बतानी है कि असल रिपोर्ट क्या है, क्योंकि आप लोग भी डेली बेसिस पर न्यूज़ देखते होंगे। और चाइना ने, इन्होंने कहा कि चाइनीज़ जो हैं उन्होंने हमला किया, अपनी मनमानी करना चाहते हैं वो, जिसके बाद वहाँ के स्थानीय लोग, वहाँ के जो, ठीक है, जो रेजिडेंशियल लोग हैं उन्होंने जी प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया कि इनको जी रोका जाए, अपनी मनमानियाँ करते हैं हमारे, हमें हर्ट करते हैं, लाइक इस टाइप की चीज़ें कि हमारे पे, जैसे उन्होंने कहा कि हमला किया बांग्लादेश के लोगों पे। सो ऐसा होना पॉसिबल मुझे तो नहीं लगता, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो ठीक नहीं है। वेल, मुझे ऐसा होता बिल्कुल पॉसिबल नहीं लग रहा, क्योंकि मुझे इन चीज़ों बात पर यकीन नहीं है कि चाइनीज आए हमला करेंगे बांग्लादेश में, अदर कंट्री में रह के, मतलब आप चाइना में जाएं वो चाइनीज़ पे जाके हमला कर दें, ठीक है, वहाँ पे किसी कंपनी में काम करते हुए। सो ऐसे तो पॉसिबल नहीं है कि हम दूसरी कंट्री पे जाके वहाँ के लोगों पे हमले करने स्टार्ट कर दें। सो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी फेक लगी है। वेल, आप लोगों ने सही खबर देनी है कि सही खबर क्या है, इंडियन मीडिया क्या न्यूज़ दे रहा है, वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को पता हो कि आप लोगों की कंट्री की जो चीज़ें हैं वो, ठीक है, अदर मीडियाज़ पे कैसे चलाई जा रही हैं, उन पे क्या बात की जा रही है और बांग्लादेश को किस तरह बैंकरप्ट बनाने पे तुला हुआ है इंडिया। आप लोग का क्या कहना है, अपनी ओपिनियन लाजमी शेयर करनी है कॉमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाजमी लाइक करना, लाइक का बटन सामने, उसे जल्दी से क्लिक कर दें। वीडियो को लाजमी शेयर करना है अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करने वाले आइकन को क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को लास्ट में नोटिफिकेशन मिले। अगर आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज है, वहाँ पे जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। सी यू गाइस, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।